थोड़ी लंबी वीडियो बनाया करो भाई, थोड़ी लंबी। हाँ जी, क्या हाल चाल? तो जी, फाइनली जापान में अब थोड़ी ठंड कम हुई है और हम निकले इस बार कैंपिंग करने। तो इस वीडियो में आप देखेंगे जापान में मोटो कैंपिंग, सुंदर सीनरीज और शेयर करेंगे कुछ कन्वर्सेशन जो जैपनीज लोगों के साथ हुई थी। एक्चुअली उन्होंने रॉयल एनफील्ड की बहुत तारीफ करी थी। तो आज सैटरडे है और मैं अभी निकल रहा हूँ अबैंडन विलेज के लिए। अच्छा, मैंने कैमरा ना थोड़ा अलग चेंज किया है, मैंने ना गोप्रो हटा के इंस्टा 360 लगा लिया है, तो थोड़ा वाइड एंगल मिल रहा होगा, पता ना कैसा है। अच्छा, वैसे अभी तो मैं अबैंडन विलेज जा रहा हूँ, लेकिन उसकी वीडियो मैं कभी और डालूंगा। अभी सीधा एक कैंप बुक कर रखा है, वहां के दर्शन कराते हैं। लाल रोड मतलब करवाने वाला है, तो गाड़ी धीमे रखिए। और इस लाल कलर से पता नहीं रोड का ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा बन जाता है, मोड़ने में ना दिक्कत नहीं होती। अच्छा, जब ऐसे मैं बाइक लेके निकलता हूँ मुझे समझ में नहीं आता मुझे बोलना क्या है। मतलब मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो मैं इंडिया की तो क्या ही देखूँ, मतलब वहाँ पे तो लोग मोटो ब्लॉगिंग के नाम पे 250-300 उड़ा रहे हैं और नई बाइक खरीद रहे हैं, मतलब एक्सप्लोर के नाम पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे मोटो ब्लॉगिंग में। लेकिन जैसे जिन यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ वो जैसे पुरानी वीडियोस हो गई, लेह लद्दाख वाली जो मुंबई का निकल की थी, उसके बाद अनुराग सलगांवकर करके एक बंदा है, कुछ बाहर के बंदे हो गए जैसे इची बूट हो गया, रॉब हैमिल्टन हो गया, 49 करके एक बंदा है, और अभी कैमरे वाले भैया की वीडियोज़ की वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मोटो ब्लॉग पे निकले ना 90 दिन के लिए। तो ये तो मेरे हैं, अगर आप लोग को कोई मोटो ब्लॉगर बताओ इंडिया का तो मेरे को बताना यार कमेंट में, मैं भी ज़रा चेक करूँगा क्योंकि बाकियों ने तो गंद मचा रखा है। जापान में ये है कि सारे राइडर्स बहुत तमीज़ से चलाते हैं। अब जैसे पीली लाइन है ना, ये क्रॉस नहीं कर सकते, और आगे जो ट्रक जा रहा है वो बहुत धीमे चला रहा है, तो अभी पीछे या आगे कोई भी गाड़ी होगी ना वो इस पीली लाइन को क्रॉस करके ओवरटेक नहीं करेगी जब तक ये पीली लाइन ख़त्म नहीं होती। अंकल जी साइड हो गए जगह देने के लिए। क्या खतरनाक टनल लग रही है, अंदर पानी भी गिर रहा है। टनल में थ्रॉटल देने में बड़ा मज़ा आता है, आवाज़ ऐसी आती है ना। तो 4-5 घंटे के बाद मैं पहुंचा था एक अबैंडन विलेज में, जहां पे अबैंडन स्कूल था, श्राइन थी, बहुत कुछ था। तो उसकी वीडियो तो मैं बाद में डालूंगा, फिलहाल अभी चलते हैं कैंपिंग की तरफ। कैंप साइट पहुंचने के बाद तो अगर जापान में आपके पास कैंपिंग का सारा सामान है तो कैंप बहुत सस्ते हैं यहाँ पे, मतलब 500-1000 येन में आपका एक रात का ठिकाना हो जाता है। बस थोड़े से रूल फॉलो करने होते हैं, और रूल भी ऐसे होते हैं कि 9 बजे के बाद शोर नहीं मचाना है, आपको सारा कूड़ा अलग अलग करना है और ज़मीन पर आग नहीं लगानी है। बाइक पार्किंग सोको दही टेंटर में कोना दी हाय हाय कोने दही फॉरेस्ट साइड एंड रिवर साइड आ मित्ते नहीं तगा दच्ची का ये ओसुसुमे वा नंदिस का ओसुसुमे वा यासुई नो वा फॉरेस्ट साइड यासुई वा किरे वा किरे वा दच्ची देश गोमेंस कोनो कैंप दे हाजी में तो मातेरु तगा शिरान रिवर साइड वा कोरे देस फॉरेस्ट फॉरेस्ट वा リバーサイドは少し広いです。10m 10m。一番近くにスーパーが。スーパーは。スーパーとかどこ？もう一回戻って10。あ、これまで10分ぐらい？主婦の店。主婦の店。とキャンプ見るか。バラサイサキャンプ。え、リバーサイドとフォレストサイドと、と、マネが何で気になりがって。तो कैंपसाइट पहुँचते पहुँचते मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, और मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने सीधा टेंट लगाया, सारा सामान टेंट में डाला और मैं भागा सुपरमार्केट की तरफ। सुपरमार्केट में मैंने खरीदा प्रोटीन, कार्ब और फैट, और जब मैं ये सब खरीद के बाहर निकल रहा था तभी मेरी एक अंकल पे नज़र पड़ी, वो मेरी बाइक देख रहे थे, और उनसे हुई बात मैं आपसे भी शेयर करता हूँ।
どうやろう。そうです。知ってますか。インド。そうそうそう、インド。インドやね。そう。これはインディは？インジャは300、350。初めて見ました。あ、どうですか。昔からもう何十年前か、一応ずっと頭にあったんですが、写真で見るとかっこいいなと思って。風格あるね、なかなか。 まだ新しいですか。そうです。もう新車？6ヶ月ぐらい。雨降ったら使わない。使わない。雨使わない方がいいね。そう。ヴィンテージっぽいけど新しいね。そうそうそう。エンジャは新しい。ニューニュー。はい。イメージがちょっとヴィンテージ。アルミみたい。アルミ。アルミ、はいはい。初めていいものを見ました。ありがとう。初めていいものを見ました。 इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है कि उन्होंने पहली बार कोई इतनी अच्छी चीज़ देखी है और उन्होंने इसके लिए मुझे थैंक यू भी बोला। अंकल ने ये भी बताया कि वो अपने ज़माने में बहुत बाइक चलाते थे, अब वो एज की वजह से बाइक नहीं चला पाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट बाइक्स को लेकर आज भी उतना ही है। वो अभी भी बाइक्स की मैगजीन वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं, और ऐसी किसी मैगजीन में उन्होंने रॉयल एनफील्ड का नाम देखा था 10 साल पहले, और वो बहुत एक्साइटेड थे जब उन्होंने पहली बार रियल में बाइक देखी। ऐसी बहुत सारी कन्वर्सेशन है मेरे पास, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं सारी कंपाइल करके डालूंगा। फिलहाल कैंप की तरफ वापस चलते हैं। तो कैंपिंग का मेरा सारा सामान सेम है, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना, सेम उसी के ऊपर है। ये हमारी गैस, अब बनाते हैं कुछ खाना वाना। ये मेरे रहस्यमय मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, जीरा, काली मिर्च और सोया सॉस। तो आज जो डिनर बनेगा वो है साग चिकन, साग एरा, चिकन एरा। चलो अब कुछ खाना बनाना शुरू करते हैं। इसको पहले कपड़े से साफ कर लेता हूँ। तो ये हमारा चिकन, तो नाइट कैंपिंग की ये लास्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर पाया। इसके बाद मेरे फ़ोन कैमरा सारे डिस्चार्ज हो गए थे। कोई नहीं, सुबह से शुरू करते हैं। सुबह होने के बाद यहाँ कैंपिंग में आप कपड़े उड़ के धो सकते हो, 100 एम का 40 मिनट, और साथ में दिया गया कपड़े धोने का पाउडर। यहाँ नहाने का भी हिसाब है, 100 मिनट में 3 मिनट नहा सकते हो। तो सुबह हो गई है, रात में तो मैं ऐसे ही सो गया था, बहुत थक गया था, तो रात में मैंने उल्टा सीधा चिकन बनाया और वो खा लिया। अभी ब्रश करके आया हूँ। तो इस तरह के जापान में पैकेट होते हैं, ये जापानीज लोग हमेशा कैरी करके रखते हैं। हम लोग तो इंडिया में जैसे एक बार ब्रश करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को आदत हो गई है 2 बार ब्रश करने की, एक सुबह एक शाम को। और जापानीज़ यहाँ पे भैंस की आँख बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं, मतलब वो जैसे कॉफ़ी पी लेते हैं ना, तो कई लोग को मैंने देखा है कॉफ़ी पी लेते हैं तो भी ब्रश कर लेते हैं, हर एक मील के बाद ब्रश करते हैं। अच्छा सिस्टम है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। धूप पड़ने लगी थी हल्की हल्की, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉफ़ी। तो मैं कैंपिंग में बर्तन में खाली फ्राई पैन और एक ये पानी गर्म करने के लिए ये लेके जाता हूँ। कार कैंपिंग हो तो 10 चीज़ें ले जाओ। कॉफ़ी में हमेशा फ़िल्टर कॉफ़ी यूज़ करता हूँ, इंस्टेंट कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं कल ले आया था दूतोर की, ठीक ही होती है इसकी कॉफ़ी भी। पानी हो गया गर्म, अब मैं आता अपनी कॉफ़ी। इस तरह के पाउच होते हैं, फाड़ो, घोलो और पी लो। ये रेडी हो गई हमारी चाय, चाय नहीं कॉफ़ी। थोड़ा सैंडविच बनाते हैं, अंडे पड़े हैं, चीज़ पड़ा है, एग सैंडविच बनाते हैं आज। ये रहे अंडे, अंडों पे स्टिकर तक लगे हुए हैं एक्सपायरी के। होक्काइडो बटर,
वैसे मैं बटर खाता नहीं हूँ, एक दो दिन चल जाता है। तो ये मेरे मसालों का सेट, इसमें लाल मिर्च, नमक, जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च और सोया सॉस। ये रेडी हो गए हमारे अंडे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, मुझे कल प्लेटें नहीं मिली डिस्पोजेबल वाली, तो इसी में से खा रहा हूँ। जल्दी से रेडी करते हैं सैंडविच। इन्होंने तीन ब्रेड दे रखी हैं, तीन ब्रेड का क्या हिसाब बनता है, या चार दो या दो दो। अच्छा, कटलरी में जो मैं कैरी करता हूँ, एक तो ये वो है, वो मोर्टीन का स्टैंड है, दो लाइटर हैं वो कभी आग वाग जलाने के लिए, आई डोंट स्मोक, और ये फूक मारने के लिए अगर कोयला वगैरह जलाता हूँ तो, और ये पोर्टेबल चॉपस्टिक्स हैं, इसको स्क्रू करो और ये चॉपस्टिक बन जाते हैं, और बाकी स्पून तो है ही जो जैसे फोल्ड हो जाती है, और इसको नॉर्मल यूज़ कर लो। चाकू में मैं ये यूज़ करता हूँ, ये नॉर्मल एक चाकू है, एक तरह से हर चीज़ काटने वाटने के लिए हो जाता है। एक ये मैंने अभी टूल ऐड किया है, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें रेंच है, इसमें नाइफ है, इसमें हुक है, ये जैसे ना पता नहीं लग रहा है, इसमें छोटी चीज़ है, ये ऐसी छोटा सा नाइफ है, इसको और ओपन कर दूंगा तो इसमें रेंच है, तो ऐसा टूल है ये, तो हैंडी है। बहुत रेगुलर यूज़ में नहीं आता, लेकिन हाँ अगर 10 कैंपिंग में एक बार यूज़ आ रहा है तो अच्छी बात है। बाकी विक्टोरिनिक्स का ही है, ये तो सबके पास ही होता है। इसमें वही चाकू, कैची, स्क्रू, और इसमें वो भी है देखो, ये अगर जैसे लकड़ी का कुछ फंस जाए, कांटा वाटा फंस जाए तो निकालने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये टूथपिक, दांत वांत खोदने के लिए। तो ये रहा हमारा सैंडविच। जापान में कैंपिंग बहुत ही कॉमन हॉबी है, यहाँ लोग अक्सर विद फैमिली आते हैं। कई लोग तो यहाँ दो चार दिन एक ही कैंप साइट पर रुक जाते हैं। यहाँ ना कोई बॉनफायर दिखती है, ना दारू, ना कोई पार्टी, ना कोई हल्ला गुल्ला, लोग बस नेचर एंजॉय करने आते हैं। सबकी अपनी अपनी हॉबी हैं, कोई स्विमिंग करता है, कोई फिशिंग, कोई साइकिलिंग पर निकलता है, तो कोई हाइकिंग, और कई लोग मेरी तरह 5:30 बजे उठ के अंडा बनाते हैं। वैसे मैं भी नदी किनारे सैर पर तो निकला था। सारा पैक करते हैं। अब एक जगह जा रहे हैं, नाची फॉल, यहाँ से 75 किलोमीटर है, बहुत सुंदर जगह है वो वाकायामा में। 11:30 बजे पहुँचेंगे। अच्छा, कई लोग पूछते रहते हैं मैं ऐसे सोलो क्यों निकल जाता हूँ। एक्चुअली क्या है, ग्रुप के साथ अलग घूमने का मज़ा है, सोलो घूमने का अलग मज़ा है। अब जैसे आज मैं 5:30 बजे उठा, मैंने खाना वाना बनाया और 7 बजे तक टेंट पैक करके निकल भी आया। अगर दोस्त हो उसकी चीज़ मैच ना हो, फिर वो रहता है कि फिर 7:30, 8, 9 बजे निकलते हैं, 10 बजे निकलते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है ट्रिप। तो यूजुअली जापान में भी लोग ना सोलो ही निकलते हैं, और दोस्तों के साथ ट्रिप के अलग फ़न है और सोलो अलग फ़न है, तो दोनों का मेल जोल रखो। वाह, क्या बीच है यार, बेहतरीन, उम्दा। बाइक पे घूमने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है, कहीं पे भी गाड़ी रोक के खड़ी कर दो, मतलब ज्यादा जगह नहीं लेती ना, कार के लिए पार्किंग वार्किंग ढूंढनी पड़ती है यहाँ पे। ये जो बैकग्राउंड में उड़ती हुई चीजें दिख रही हैं, इसको जापान में बोलते हैं कोई नोबोरी। तो ये यहाँ पे अक्सर चिल्ड्रंस डे पे आपको पूरे जापान में फैली हुई दिख जाएंगी, और बहुत सुंदर भी लगती हैं। इसकी सारी डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें हर फिश का मतलब होता है, एक फादर और बच्चे और मदर, और बहुत सुंदर लगते हैं, पूरे जापान में फैले दिख जाएंगे इस टाइम पे ये। मैं बीच से निकल के एक जगह रुका ही था, वहाँ मुझे 4 राइडर और मिले। जापान के राइडर्स की खास बात यह है कि वो रूल सारे फॉलो करते हैं, स्पीड लिमिट से लेके राइडिंग गियर तक सारे,
और कोई रोड पे उल्टी सीधी हरकतें भी नहीं करता। सबके पास स्पोर्ट्स बैग थी और किसी के बाल हरे नहीं थे। ごめんなさい、初めて実写見たもんで、ちょっと いきなり人のバイクジロジロ見たと申し訳ないです。これ安い。モトグッチ？モトグッチ。モトグッチ。あ、すごいな。モトグッチ、ホンダ、スズキ、ヤマハ。ホンダ、スズキ。あと川崎だけおれば、全部揃う。そうです。荷物いっぱいあるもんで。あとキャンピング。あ、キャンプして。キャンプやってます、今。तो बातों बातों में पता लगा सुजुकी वाले सर को रॉयल एनफील्ड लेनी थी फ्यूचर में, तो उन्होंने मेरा बहुत सारा इंटरव्यू लिया, मैंने सारे सवाल के आंसर दिए। अब देखते हैं अंकल लेते हैं कि नहीं, फिलहाल हम निकलते हैं रोड पे। अच्छा, एक इंसिडेंट तो मैं बताना ही भूल गया। मैं रोड पे जा रहा था और मुझे दिखी एक सुंदर नदी, और नदी के बगल में दिखी एक कार, और कार देख के मुझे दिखी एक अपॉर्चुनिटी। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बाइक लेके चलता हूँ और लेते हैं एक दो सिनेमेटिक शॉट। और शॉट्स तो अच्छे आए, लेकिन उसके बाद मेरे लग गए थे। तो ड्रोन शॉट्स तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई, मेरी बाइक यहाँ फंस गई। और जिस कार को मैं देख के यहाँ पे आया था वो निकली 4x4 की, और वो तो आराम से निकल गई लेकिन मैं फंस गया। फिर क्या ही कर सकते हैं, हम भी बने बाहुबली और लगाई हमने 200 किलो की डेडलिफ्ट। ये देखो बाइक यहाँ फंस गई है टायर। अब लगाते हैं डेडलिफ्ट। वैसे जिस प्रेफेक्चर में मैं घूम रहा हूँ वो है वाकायामा प्रेफेक्चर, और वहाँ पे नेचुरल ओनसेन बहुत हैं। मतलब पानी इतना गर्म बहता है कि वहाँ पे आप अंडे और स्वीट पोटैटो उबाल के खा सकते हो। तो मेरे अंडे तो उबली गए थे धूप में, मैं सोच रहा था कि खरीद के भी उबाल के खा ही लेते हैं। ये देखो शकरकंदी 1 घंटे में उबलेगी और अंडे 13 घंटे में, लिखा भी हुआ है 13 मिनट अंडे 1 घंटा शकरकंदी। 13 मिनट में अंडे उबल जाएंगे, बड़ा गर्म पानी होगा यार। अंडे यहाँ रखने हैं। जो पानी बह रहा है ना, ये सारा उबलता हुआ पानी है। बाकी इस पानी में नहा भी सकते हो, ऑनसेन बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन टाइम नहीं है तो तभी और ट्राई करेंगे। अंडे का वेट करते हैं। अच्छा, वैसे अंडे तो 10 मिनट उबल गए थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने घर आके खाया उनको। बाकी इसके आगे मैं नाची फॉल गया था, एक दो श्राइन और गया था, वहाँ मैंने ऐसा कोई व्लॉग नहीं किया, बस कुछ शॉर्ट्स लिए थे। तो ये मोन्टाज के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। बाकी इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन देख के पता लग जाएगा कि आगे लंबे व्लॉग्स बनाने चाहिए या छोटे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो झेल ली हो तो थैंक यू। Same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 zone like your dad before, you didn't even notice.